हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था उसका लिस्ट मेरे पास आ चुका है। आप लोगों का जो भी रिजल्ट है वो मेरे पास है। तो इसमें 30 लोगों को सिलेक्ट करने वाले थे हम लोग जनरल कैटेगरी में रैंक वाइज, और उसमें 1 ईयर का जो एक्चुअल फीस में जो डिस्काउंट था 15,000 था, और 2 ईयर में 20,000 डिस्काउंट दे रहे एक्चुअल फीस में। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को हम लोग अपलोड कर रहे, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना नाम देख सकते हो, जिन लोगों का भी नाम है। तो नाम अनाउंस नहीं करूँगा वन बाय वन, 30 लोगों का नाम है इसमें, इस वाली लिस्ट में 30 लोगों का नाम है, तो उनका अनाउंस नहीं करता, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा। तो ये आपके पास फाइनल हो गया है, ठीक है। और बाकी मेरी टीम से पूरी बात हो रही होगी, मेरी टीम से, गेट अकेडमी टीम से कॉल आ रहा होगा, जो PD और GD कोर्स को जो लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वो लोग प्रॉपर आपसे बात कर रहे होंगे, तो मेरे को लगता है कुछ भी डाउट होने से आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो, आपसे बात भी हो रही होगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन कि 30 लोगों को इसमें सेलेक्ट किया गया है, और पूरा लिस्ट भी आप देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि मैं बोला था कि लगभग 10 लोगों को इकोनॉमिकल जो EWS क्लास था, इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन था, उसमें लगभग 10 लोगों को 100% स्कॉलरशिप देंगे, जिन लोगों को इकोनॉमिकल थोड़ा इशू था, और जो लोग अच्छा परफॉर्म किए, क्योंकि मैं बोला था कि टेस्ट दे के अपन स्कॉलरशिप विन करेंगे तो उसका मजा है। तो 10 लोगों को देने का था 100% स्कॉलरशिप। तो इस लिस्ट को 10 की जगह, इस लिस्ट को 15 लोगों को कंसिडर किया गया, इस लिस्ट में 10 की जगह 15 लोगों को कंसिडर किया गया, क्योंकि मैं बोला था कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडवांटेज हो। तो मैं बोला कि लिस्ट को बढ़ा दो, 10 की जगह 15 करो, गुड होगा, और भी 5 लोगों को होगा। तो ये लिस्ट भी आप चेक कर सकते हो, ये लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो आपको पूरा एक PDF मिलेगा, उसमें ये वाली लिस्ट मिलेगी। और बाकी जितने लोग भी है, क्योंकि इतने सारे EWS क्लास में जो लोग भी दिए थे एग्जाम, बट ठीक है, जो लोग स्कोर किए हैं, बाकी जितने भी लोग होंगे उन लोगों को क्या डिस्काउंट रहेगा, क्या डिस्काउंट है, वो मेरी टीम पूरा प्रॉपर कॉल करेगी, प्रॉपर बात करेगी। तो वो देखते करके कि जो पहले डिस्काउंट 10,000 का था, वो सेम डिस्काउंट आपको ऑफर कर सके कि नहीं। बाकी मेरे साइड से फ्रीडम प्रॉपर दिया गया है कि जिन लोगों की प्रॉब्लम है थोड़ा सा एक बार सोचा जाए, ठीक है। वो चीज़ मैं डिस्कस नहीं कर सकता, या मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता, या फिर मैं से आप बात करोगे इस बारे में, तो मेरी क्लासेस शेड्यूल और मैं ये सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन मेरे साइड से फ्रीडम है कि मेरी टीम प्रॉपर चेक करेगी। बाकी तो 15 लोगों को तो 100% स्कॉलरशिप हो चुका है, और जिन लोगों को 100% स्कॉलरशिप है उन लोगों को सब कुछ मिलेगा, बुकलेट, प्रीवियस ईयर की बुक, जो हम सबको प्रोवाइड कर रहे हो सब कुछ मिलेगा। इन्जॉय कीजिए, बस मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छा परफॉर्म करें, इसलिए मैं 10 की जगह 15 लोगों को किया हूँ। और डिस्काउंट वाला पार्ट भी वो लोग देखेंगे कि कुछ अगर एक दो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी तो लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा उनको डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो चाहिए रहेगा, और वो क्या कर सकते हैं, पहले वाले डिस्काउंट को सेम आपके लिए रख सकते हैं, नहीं रख सकते, वो लोग एक बार चेक करेंगे, ठीक है। थर्ड जो था डिफेंस वाला जो पार्ट था, इसमें 5 लोगों को मैं बोला था कि 5 लोगों को डिफेंस वाले में रहेगा 100% स्कॉलरशिप। तो मैं बोला था कि 5 से और भी प्लस माइनस कर सकते हैं, तो इसमें 7 लोगों को सिलेक्ट किया, मैं बोला कि नंबर बढ़ा लो थोड़े से, तो 7 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। और स्पेशली मेरा हमेशा मानना है कि डिफेंस वाले लोगों को प्रॉपर केयर होना चाहिए, गवर्नमेंट का केयर होना चाहिए, सभी लोगों को मतलब ये केयर होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ वाला पार्ट है या एजुकेशन वाला पार्ट है, ये सब कुछ उनके लिए बहुत बहुत मतलब कंसिडर होना चाहिए। चाहे जॉब प्रोफाइल हो, बहुत सारी चीज़ों में उनको मेरे को लगता है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो लोग डिफेंस के लिए काम करते हैं, जो हम लोगों के लिए जान दे सकते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत अनकंडीशनल होना चाहिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसा इतना कर सकते हैं हम लोग, इतना करना चाहिए सभी लोगों को। तो मैं स्पेशली बोला हूँ कि उन लोगों को जिन लोगों का प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होगा और डिफेंस वाले होंगे, 7 लोगों को तो 100% स्कॉलरशिप दे दिए, और जो डिफेंस वाले होंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, हम लोग कितना भी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ बन रही है, इतने सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तो भी मैं कंपेरिजन उनसे नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि जान देना आसान नहीं है, जान देना बहुत टफ है। मतलब ड्यूटी करते हुए, मतलब जब मैं देखता हूँ कि बॉर्डर पर लोग लड़ते हुए मतलब शहीद हो जाते हैं, और उनके घर में कोई उनका बेटा या बेटी 1 साल या 2 साल की, आसान नहीं होता है, कौन ऐसा कर पाएगा, इट्स वेरी टफ। या किसी की अभी जस्ट मैरिज हुई है, या फैमिली में सिर्फ वो एक ही लड़का था, उसके पेरेंट्स उन पर डिपेंडेंट थे, इट्स वेरी टफ। मतलब ये तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि सबको इस बारे में सोचना चाहिए। तो मैं बोला हूँ कि अपनी टीम को बोला हूँ कि जो डिफेंस वाले जितने भी लोग हैं उनके अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, क्योंकि डॉक्यूमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉपर जो सही है उन्हीं लोगों को दिया जाए। इसमें हम लोगों के मतलब जो CRF रहेंगे या BSF वाले लोग रहेंगे उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, जो बॉर्डर पे है या जो जो जिन लोग इतने रिस्क में काम करते हैं उन्हीं लोगों को कंसिडर किया जाएगा डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो मैं बोल दिया हूँ कि उनको डिस्काउंट दिया जाए, और उनको एक्चुअल फीस में 1 ईयर का अगर उनका कोर्स है तो 15,000 तक डिस्काउंट दे दो। मतलब हम जब ओपन किए थे तब तो 10,000 किए थे, लेकिन जो डिफेंस वाले लोग हैं उनको 15,000 तक भी डिस्काउंट दिया जा सकता है, जिससे कि वो लोग मतलब अपने अपना जो एजुकेशन वाला पार्ट है बहुत ही और भी बेटर फॉर्म में अपना करते रहे, एग्जीक्यूट करते रहे। तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, जितने लोग विनर लोग हैं, जितने लोग स्कॉलरशिप टेस्ट विन किए हैं, और जितने लोग भी 100% अपना स्कॉलरशिप टेस्ट दिए लेकिन नहीं कर पाए, वो लोग भी हमेशा आगे रेडी रहे कि चीज़ें अच्छी करना है। आप इस कंपटीशन का पार्ट बन रहे हो, ये भी गुड बात है। तो आने वाले समय में जब नेक्स्ट बार जब 2020 का रिजल्ट आएगा, तो मेरे को लगता है कि गेट अकेडमी के मैक्सिमम लोग रहेंगे, जितने सारे लोग पेन ड्राइव जी ड्राइव इतने सारे लोग इंडिया से ले रहे हैं, और क्लासरूम कोचिंग में जो लोग हैं उनको मिला दिया जाए और OTS को मिला दिया जाए, तो मेरे को लगता है कि एक बिग बिग नंबर जो होगा वो गेट अकेडमी का नंबर होगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो क्योंकि इतने सारे लोग स्कॉलरशिप भी विन कर रहे हैं तो वो लोग भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस बार 2020 में अपन हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, गेट अकेडमी ट्राई करेगी कि गेट अकेडमी का जो ग्रुप है, कम्युनिटी जो है गेट अकेडमी की, हम लोग मिलकर हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, इतने सारे सिलेक्शन देंगे। उसमें सिर्फ इस बात पर मैं बेस नहीं हूँ कि वो AIR 1 AIR 2, इस बात पर बेस नहीं हूँ मैं, उस बात पर बेस हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अंडर 500 के अंदर हम कितने लोग रहेंगे ये ज़्यादा मैटर करता है, अंडर 1,000 के अंदर हम कितने लोग रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज लोग क्या परफॉर्म कर पाएंगे ये बहुत मैटर करेगा, और इस वाली चीज़ को हम इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, बाकी जितने लोग भी PD और GD के लिए वेट कर रहे हैं, बस वेट करते रहिए, पेशेंस लेवल बना के रखे रहिए। आपके हाथ में जब जाएगा, बुकलेट जाएगी, गेट अकेडमी की प्रीवियस ईयर की बुक जाएगी, सब सब आप इंजॉय करने वाले। तो मेरे को लगता है कि बस आप थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और आप जितना फेथ करते हो उससे बेटर फॉर्म में ही हम आपको कंटेंट देंगे, क्योंकि आप यूट्यूब के वीडियो देखते हो तो यूट्यूब के वीडियो में अगर आपको जो फीलिंग आती है तो उससे तो 10 टाइम्स से भी ज़्यादा गुड फीलिंग आएगी। तो ठीक है, जब आएगा तब आप देखिएगा। तो ये मेरे को अनाउंस करना था, मैं अनाउंस कर दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप लिस्ट चेक कर लीजिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर किसी को किसी चीज़ में कोई इशू है तो जो नंबर दिए गए होंगे उस नंबर पर आप बात कीजिए। जो नवल पाठक एंड उसकी जो टीम है, जो हमारे गेट अकेडमी का पूरा पार्ट देख रही है, जो हमारे गेट अकेडमी का मेन पार्ट नवल पाठक और उसकी टीम देख रही है, तो आप उनसे बात करेंगे उस नंबर पे, वो बात भी कर रहा होगा बहुत लोगों से। तो उस नंबर पे जब आप बात करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम्स होगा वो सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे को लगता है किसी एक आधे क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी आया था, तो हो सकता है वो मार्क्स टू ऑल मिल गया होगा या उसको काउंट नहीं किया गया होगा। ठीक है, मैं आई होप कि आप लोग एग्जाम अच्छे से दिए होंगे, 1 आवर्स का जो विंडो था वो प्रॉपर वर्कआउट किया होगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीम से बात किया था कि वो 1 आवर्स का जो विंडो है वो बहुत ही परफेक्टली वर्क करे। तो ठीक है, आप ऐसे देखते ऐसे ऐसे आप करते रहिए, मैं और जो जो मेरे को लगते रहेगा मैं करूँगा, ट्राई करूँगा। बीच बीच में अगर कुछ प्लान बनेगा, मेरे को नहीं पता अभी, तो अभी मतलब आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि ऐसे प्लान करते रहेंगे अपन। ठीक है, तो सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, जितने लोग भी स्कॉलरशिप विन किए हैं सभी लोगों को। ठीक है, ऐसे ही गेट अकेडमी के साथ आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।